Assalamualaikum friends, चलो कि एक और अपडेट के साथ आपके और आपके अपने चैनल स्पोर्ट्स का चैनल ऑफिशियल में खुश आमदीद कहते हैं दोस्तों। आज बात करेंगे भारत और बांग्लादेश के दरमियान जो कि आज पहला वनडे मैच खेला गया, उसमें बांग्लादेश ने भारत को सनसनी खेज मुकाबले के बाद एक विकेट से शिकस्त दे दिया। शेरे बंगला स्टेडियम मीरपुर बांग्लादेश में खेले जाने वाले पहले वनडे में बांग्लादेश के कैप्टन ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया, जो कि बांग्लादेश के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ और भारत की पूरी टीम अपनी इनिंग्स में 186-41.2 ओवर्स में आउट हो गई। यानी भारत अपने पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल सका और सिर्फ 186 स्कोर करके पूरी टीम आउट हो गई। भारत की जानिब से बैटिंग में सबसे ज़्यादा नुमाया कारकर्दगी के एल राहुल की रही, जिन्होंने 73 स्कोर किए। उसके अलावा रोहित शर्मा ने 27, विराट कोहली सिर्फ 9 रन बना सके और बाकी भारत के कोई भी बैट्समैन कोई खास कारकर्दगी नहीं दिखा सके। बांग्लादेश की जानिब से बॉलिंग की बात की जाए तो उनके स्टार ऑलराउंडर साकिबुल हसन ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया सिर्फ 36 स्कोर देख के, और जबकि उनके फास्ट बॉलर इबादत हुसैन ने सिर्फ 47 स्कोर देख के 4 खिलाड़ियों को आउट किया। बांग्लादेश की जानिब से साकिबुल हसन और इबादत हुसैन बॉलिंग में नुमाया कारकर्दगी दिखाई, जवाब में बांग्लादेश का भी स्टार्ट अच्छा नहीं था और उनकी विकेट्स भी छोटे टारगेट के तक में वफ़े वफ़े से गिरते रही। टारगेट सिर्फ 187 का था लेकिन बांग्लादेश की विकेट्स वफ़े वफ़े से गिरती रहीं, जो कि उनके लिए बहुत मुश्किल होता गया और उनकी 9वीं विकेट 136 स्कोर पे गिर गई, जबकि उन्होंने 187 स्कोर करने थे और 136 स्कोर पे उनके 9 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। तो उस मौके पे बांग्लादेश तकरीबन मैच हार चुका था, लेकिन उनके स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर मेहदी हसन ने बहुत अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया। उस मौके में उन्होंने 38 नॉट आउट स्कोर किए 39 बॉल्स पे और उनका साथ दिया फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान ने, उन्होंने 10 स्कोर किए और जबकि मेहदी हसन 38 पे नॉट आउट रहे। और यूं सनसनी खेज मुकाबले के बाद भारत को बांग्लादेश के हाथों एक विकेट की शिकस्त हुई और यूं बांग्लादेश की टीम ने इन 3 मैचों की ODI सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। तो दोस्तों हम बता रहे हैं भारत को शिकस्त हुई है बांग्लादेश से, बहुत बड़ी शिकस्त है भारत के लिए। भारत की टीम जो कि हमेशा से ODI फॉर्मेट में बहुत अच्छा खेलती रही है, T20 फॉर्मेट में भी ओवरऑल बहुत अच्छी टीम रही है, लेकिन उनको बांग्लादेश जैसी टीम के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा। फुल क्रेडिट जाता है बांग्लादेश को, उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है और जिस तरह मेहदी हसन ने मैच को फिनिश किया उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। दोस्तों ये अपडेट थी, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।